हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू ऑनलाइन SCGA क्लासेस बाय दिनेश कुमार श्रीवास्तव। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास टेंथ का फर्स्ट फ्लाइस बुक का चैप्टर नंबर 7, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में 3 पार्ट्स हैं और इसका फर्स्ट पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसका नाम था अ बीकर फ्रॉम गोवा। और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इसका पार्ट 2, जिसका नाम है कूर्ग। और ये किसके द्वारा लिखा हुआ है? लोकेश एब्रॉल के द्वारा। और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ, ये कूर्ग क्या है? ये बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन है हमारे साउथ इंडिया का, और इसको हम द स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द चैप्टर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, अ स्मॉल इंट्रोडक्शन। कूर्ग। कूर्ग इज कॉफी कंट्री, फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। कूर्ग क्या है? कूर्ग एक कॉफ़ी कंट्री है। किसके लिए फेमस है? अपने रेन फॉरेस्ट के लिए और स्पाइसेस के लिए। तो कॉफ़ी कंट्री क्या होता है? अब ये कूर्ग एक कंट्री तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है, तो इसलिए कॉफ़ी कंट्री बोला गया है। और साथ ही साथ ये रेन फॉरेस्ट के लिए फेमस है, स्पाइसेस के लिए। रेन फॉरेस्ट कौन से होते हैं? स्पेशली जैसे हम कह सकते हैं कि जो इक्वेटोरियल रीजन होता है, यानी जहाँ इक्वेटर, आप जानते ही होंगे, जो हमारे पूरे ग्लोब को, या हम कह सकते हैं हमारी पूरी अर्थ को, एक दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। बीच में जो एक इमेजिनरी लाइन है, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं। तो इक्वेटर के आसपास का जो एरिया होता है ना, वो रेन फॉरेस्ट में, या हम कहें कि यहाँ पर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट होते हैं, तो उन एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में वो आता है। यहाँ पर बारिश होती रहती है और जो पेड़ हैं वो हमेशा हरे भरे बने रहते हैं। तो ये जो एरिया है, जो कूर्ग है, वो उसी क्षेत्र में आता है। और यहाँ पर रेन फॉरेस्ट हैं बहुत सारे, और यहाँ पर बहुत सारे स्पाइसेस पैदा होते हैं, तो इसके लिए ये फेमस है काफ़ी कूर्ग। अब देखिए, मेन चैप्टर शुरू करने से पहले इसके जो राइटर हैं उनके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। लोकेश एब्रॉल, तो लोकेश एब्रॉल इसके राइटर हैं, इज आल्सो एन एस्टेब्लिश्ड राइटर, है ना। जो लोकेश एब्रॉल हैं वो एक एस्टेब्लिश्ड राइटर हैं। द प्रेजेंट एसे ऑन कूर्ग हाईलाइट्स हिज शार्प ऑब्जर्वेशन एंड द एबिलिटी फॉर अ ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द वंडरफुल लैंड दैट इज़ कॉल्ड कूर्ग। ये जो प्रेजेंट ऐसे है कूर्ग पर, है ना, ये क्या हाईलाइट करता है? उनका जो शार्प ऑब्जर्वेशन है एंड द एबिलिटी, यानी उनका जो शार्प, बहुत ही शार्प तरीके से वो किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, और उनकी एबिलिटी किसके लिए? ग्राफिक डिस्क्रिप्शन के लिए, एक वंडरफुल लैंड के, यानी एक बहुत ही सुंदर लैंड के जो ग्राफिक डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है, है ना, इस अपने राइटिंग के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से, वो बड़ा ही बहुत ही ज़्यादा एप्रिशिएबल है। दैट इज़ कॉल्ड कूर्ग। और जो कूर्ग का, है ना, ये जो लैंड, जो जिसका ग्राफिक डिस्क्रिप्शन दिया है, उसको किस लैंड का दिया गया है? वो कूर्ग का है। लोकेश एब्रॉल इज़ ए रिनोन्ड डॉक्टर बाय प्रोफेशन। लोकेश एब्रॉल की बात करें तो वो कौन है प्रोफेशन से, यानी व्यवसाय में, वो एक जाने माने डॉक्टर हैं। ही इस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट मल्टी स्पेशलिस्टी हॉस्पिटल इन द प्राइवेट सेक्टर इन गुड़गांव। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में, यानी जो निजी जो हॉस्पिटल्स होते हैं, अगर हम उस फील्ड की बात करें, तो उन्होंने पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुड़गांव में इस्टेब्लिश किया था। ही इज ऑल्सो ए सोशल वर्कर, और वो एक डॉक्टर के साथ साथ एक सोशल वर्कर भी हैं, है ना, समाज के लिए बहुत सारे अच्छे कार्य करते हैं वो। ही इस्टेब्लिश द फर्स्ट स्ट्रे काउ शेल्टर इन गुड़गांव, और उन्होंने इस्टेब्लिश किया था पहला, गुड़गांव के अंदर पहला स्ट्रे काउ शेल्टर। स्ट्रे काउ कौन सी होती है? जो आवारा गाय घूमती रहती है, मतलब उनका कोई अपना मालिक नहीं होता है, इधर उधर बस घूमती रहती हैं, या उसका कोई मालिक होता है तो वो उन्हें छोड़ देते हैं, और उन्हें ऐसे ही भटकने को छोड़ देते हैं। तो उनके लिए उन्होंने एक काउ शेल्टर, मतलब उनके रहने की व्यवस्था की,
और वो उन्होंने पहली बार बनाया, तो वो जितने भी काऊ हैं जिनके लिए कोई है नहीं है तो वो उसमें शेल्टर में आकर के रह सकती हैं, वहाँ पर खा सकती हैं जो कुछ भी उन्हें मिलता। तो इस तरह से उन्होंने ये गुड़गांव में इस्टेब्लिश किया। अब देखिए शुरू करते हैं इसका जो मेन टेक्स्ट है हमारी बुक से, मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। ड्रिफ्टेड फ्रॉम मीन्स बींग जेंटली कैरिड अवे बाई एयर, मतलब किसी चीज़ को हवा के द्वारा जेंटली तरीके से, बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे तरीके से लेकर के आ जाना। तो यहाँ पर जो राइटर हैं वो हमें क्या बता रहे हैं कि मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन, यानी जो मैसूर और कोस्टल टाउन है मैंगलोर का, है ना, मैसूर ये हमें कर्नाटक में मिलते हैं, कर्नाटक में है मैसूर और मैंगलोर। तो कर्नाटक में मैसूर और जो कोस्टल टाउन मैंगलोर है, कोस्टल टाउन का मतलब जो समुद्र तट के आसपास का टाउन है उसका नाम है मैंगलोर। तो मैसूर और मैंगलोर के बिल्कुल बीच में, मिडवे में, बीच के रास्ते में एक सिट्स अ पीस ऑफ हेवन, हेवन का मतलब स्वर्ग है, यानी स्वर्ग का एक टुकड़ा सिट्स करता है, यानी कि वहाँ पर है। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड, और लेखक हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि उसको क्या किया गया हो, ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, भगवान के राज्य से, यानी भगवान की जो किंगडम है वहाँ से उस टुकड़े को वहाँ पर हवा के द्वारा बड़े ही जेंटली तरीके से लाया गया हो। मतलब लेखक यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि जो कूर्ग है वो इतना ब्यूटीफुल है, वहाँ की नेचुरल ब्यूटी इतनी अच्छी है, इतनी ज़्यादा मनोरम है कि वहाँ देखते ही ऐसा लगता है कि ये तो बिल्कुल स्वर्ग के ही जैसा है, बिल्कुल हेवन के जैसा है। और जैसे हम जम्मू कश्मीर को हमारे क्या कहते हैं, हेवन कहते हैं, इंडिया, हेवन ऑफ इंडिया, इंडिया का स्वर्ग कहते हैं, तो जैसे भगवान का जो राज्य होता है, भगवान की जो किंगडम होती है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, चारों तरफ उसमें नेचुरल ब्यूटी होती है, है ना। तो ये जो प्लेस है कूर्ग वो भी कुछ ऐसा ही है, बिल्कुल गॉड के किंगडम के जैसा। तो लेकिन ये बहुत छोटा सा है, गॉड का किंगडम बहुत बड़ा है। तो ये कहा गया है कि शायद गॉड की जो किंगडम है वहाँ से एक टुकड़ा लाकर के हवा के द्वारा यहाँ पर छोड़ दिया गया है। तो इस तरह से ये लैंड बहुत ही ब्यूटीफुल है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन, ब्यूटीफुल वीमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स। और ये जो लैंड है रोलिंग हिल्स वाला, यानी यहाँ पर बहुत सारी हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं चारों तरफ। तो ये जो लैंड है वो किसके द्वारा इनहेबिटेड होता है, यानी कौन लोग वहाँ पर रहते हैं, एक प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन की रहती है वहाँ पर। मार्शियल का मतलब हैविंग टू डू विद वॉर, यानी जिनका युद्ध से कोई ना कोई रिलेशन रहा हो। तो यहाँ जो लोग रहते हैं, जिस जाति के लोग रहते हैं, वो बहुत ही प्राउड रेस है, और वो किसकी, किससे रिलेटेड हैं, वो युद्ध से रिलेटेड हैं। यहाँ पर जो पुरुष हैं उन्होंने युद्ध लड़े हुए हैं, और यहाँ की जो महिलाएं हैं वो काफ़ी ब्यूटीफुल हैं, और बहुत सारे तरह के यहाँ पर वाइल्ड क्रीचर्स, यानी कि जो जंगली जानवर होते हैं वो इस एरिया में, कूर्ग में मिलते हैं। कूर्ग और कोडागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। तो ये जो प्लेस है कूर्ग वो क्या है, उसको कोडागु के नाम से भी जाना जाता है, है ना, कूर्ग भी कह सकते हैं, कोडागु भी कह सकते हैं। तो ये एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, यानी कर्नाटका जो हमारा स्टेट है उसमें एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा हम कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट है कूर्ग। और ये जो कूर्ग है वो क्या है, होम है, घर है, किसके लिए, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट का। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो रेन फॉरेस्ट है, है ना, ये बहुत ज़्यादा हमेशा हरे रहते हैं, एवरग्रीन का मतलब जो सदाबहार होते हैं। और रेन फॉरेस्ट अभी मैंने पहले भी बताया था, जो हमारा इक्वेटर होता है उस इक्वेटर के आसपास का जो इक्वेटोरियल रीजन होता है उसमें
एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ की जो क्लाइमेट होती है वो काफ़ी ह्यूमिड होती है, हॉट होती है, और हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट वाले एरिया में जो प्रेसिपिटेशन यानी कि जो बारिश होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, और उस बारिश की वजह से यहाँ पर हमेशा जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट हैं वो पाए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर स्पाइसेस पाए जाते हैं और यहाँ पर कॉफ़ी प्लांटेशंस भी पाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कॉफ़ी के जो पेड़ हैं वो लगे हुए हैं, ये आप बीच में देख सकते हैं। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, और ये जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट हैं अगर हम इनकी बात करें तो इस डिस्ट्रिक्ट का ये जो ज़िला है कुर्ग, इसके लगभग 30% एरिया को कवर करते हैं। मतलब लगभग 30% एरिया में सिर्फ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट ही यहाँ पर पाए जाते हैं। ड्यूरिंग द मॉनसूनस इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। मॉनसून के दौरान क्या होता है, मॉनसून हम जानते हैं कौन सा मंथ होता है, जब बारिश शुरू होती है, मतलब जो हमारा लगभग जून से शुरू होता है, जुलाई के एंड से कह सकते हैं, जून के शुरू से और जुलाई के एंड से कह सकते हैं, और वो आगे तक चलता है लगभग सितंबर तक, तो उस सीज़न को हम क्या कहते हैं, मॉनसून कहते हैं। तो मॉनसून के दौरान क्या होता है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश होती है, इट पोर्स इनफ यानी इतनी ज़्यादा यहाँ पर बारिश होती है कि जो विजिटर्स हैं वो यहाँ से उस समय दूर ही रहते हैं, है ना। उस समय विजिटर्स तेज बारिश होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादा विजिट नहीं कर पाते, है ना। यहाँ पर बहुत अच्छा प्लेस है वैसे ये घूमने के लिए, है ना, टूरिस्ट प्लेस है ये बहुत अच्छा, लेकिन फिर भी इन मॉनसून सीजन के दौरान, मॉनसून टाइम के दौरान क्या होता है कि जो विजिटर्स हैं वो इन ये जो प्लेस है वो अपने आप को विजिटर्स से दूर ही रखता है, या विजिटर यहाँ से दूर ही रहते हैं। द सीज़न ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। तो सीज़न ऑफ जॉय है, जॉय का मतलब, सीज़न ऑफ जॉय का मतलब खुशी का जो मौसम जो आता है, तो खुशी के मौसम से मतलब क्या है कि जब यहाँ पर कुर्ग में बहुत अच्छी फेवरेबल कंडीशन होती है वहाँ पर घूमने के लिए, किसी भी लोगों जो टूरिस्ट लोग होते हैं उनके वहाँ जाने के लिए जो सबसे ज़्यादा फेवरेबल बहुत ही अच्छी कंडीशन होती है, जिसमें वो सोचते हैं कि वहाँ उनको जो कुर्ग की जो सबसे ज़्यादा नेचुरल जो ब्यूटी होती है वो जिस सीज़न जिस टाइम में दिखाई देती है वो कब का होता है, सेप्टेम्बर से शुरू होता है। तो सेप्टेम्बर से लेकर एंड कंटिन्यू टिल मार्च, और वो कब तक चलता है, मार्च तक चलता है। कौन सा सीज़न, सीज़न ऑफ जॉय, कहने का मतलब है कि वो सीज़न जब सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो ब्यूटी होती है वो दिखाई देती है, है ना, क्योंकि ब्यूटी तो हमेशा रहती है, लेकिन बारिश के मौसम में क्या होता है कि यहाँ पर आना बहुत ही मुश्किल भरा हो जाता है, तो इसलिए बारिश के बाद में जो ब्यूटी होती है वो और भी ज़्यादा निखर जाती है। तो ये जो सबसे अच्छा सीज़न होता है वो सेप्टेम्बर से मार्च तक का होता है। द वेदर इज़ परफेक्ट, और इन दिनों में क्या होता है कि जो वेदर है, मौसम है, वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट होता है घूमने के पर्पज़ से। विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेज़र, क्योंकि जो शावर है यानी बारिश है वो बहुत ही अच्छे मेज़र में यहाँ पर हो चुकी होती है, और जिसकी वजह से जो जब बारिश हो जाती है, नेचुरली स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जब बारिश हो जाती है तो उसके बाद कोई भी एरिया हो वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी हो बहुत बढ़ जाती है, है ना, चारों तरफ हमें हरियाली दिखाई देती है और सारे पेड़ पौधों पर फूल फल ये सब लग जाते हैं, और बहुत सारे पक्षी वगैरह भी हमें वहाँ पर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनवाइगोरेटिंग कॉफ़ी, और जो एयर है क्या होता है, ब्रीथ्स का मतलब सांस लेना होता है, लेकिन यहाँ पर जैसे एयर में जब एक ही तरह की खुशबू आ रही हो, तो इनवाइगोरेटिंग कॉफ़ी यानी फैली हुई जो कॉफ़ी है, यानी चारों तरफ से क्या होता है, हवा में जब हम उस एरिया में जाते हैं तो मैंने आपको बताया कि वहाँ पर कॉफ़ी प्लांटेशन होता है, है ना। तो कॉफ़ी प्लांटेशन होने की वजह से क्या होता है, चारों तरफ जो हवा में कॉफ़ी की जो खुशबू होती है, उसकी जो स्मेल होती है, वो चारों तरफ फ्रेग्रेंस कह सकते हैं कि उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो चारों तरफ फैल जाती है। तो आप कहीं भी जब भी वहाँ पर जाएंगे उस सीज़न में, तो क्या होगा, आपको हवा में कॉफ़ी की खुशबू फ्रेग्रेंस आएगी। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्रीज कैनोपीज इन प्राइम
कॉर्नर्स। तो देखिए यहाँ पर कैनोपीज आप जानते ही होंगे, रूट लाइक कवरिंग्स दैट फॉर्म शेल्टर, मतलब वहाँ पर कुर्ग में मैंने बताया रेन फॉरेस्ट है, और ये जो रेन फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पर इतने ज़्यादा पेड़ उगते हैं और इतने हरे भरे रहते हैं कि जो पेड़ होते हैं वो ऊपर से एक छत सी बना देते हैं, यानी इतने ज़्यादा बिखर जाते हैं कि एक छत जैसी स्थिति बन जाती है, है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, कैनोपी। आप जानते ही हैं जैसे कैनोपी एक अम्ब्रेला टाइप में जैसे हमने लगा दिया, उसके नीचे हम बैठ के बड़ा सा अम्ब्रेला, तो हम उसको कैनोपीज कह देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कॉफ़ी स्टेट्स हैं। कॉफ़ी स्टेट्स का मतलब जहाँ पर कॉफ़ी को यहाँ पर कॉफ़ी प्लांटेशन किया जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पर कॉलोनियल बंगलोज हैं, मतलब यहाँ के जो बंगलोज हैं यहाँ पर उन्होंने, हम ये बात समझ सकते हैं कि उस समय क्या था पुराने टाइम में जब अंग्रेज़ों का हमारे ऊपर शासन था हमारे देश पर, तो उन्होंने अपने बंगलोज बनाए थे, और वो अपने जो बंगलोज थे वो स्पेशली उन एरियाज़ में ज़्यादा बनाते थे जो बहुत ही नेचुरल ब्यूटी से भरे हुए थे। और तो यहाँ पर उन्होंने कॉलोनियल बंगलोज अपने बनाए, कॉलोनियल का मतलब हम जानते ही हैं, है ना। तो ये जो बंगलोज हैं ये उन्हीं के द्वारा इस तरह के बनाए गए थे, और ये किस पर स्टैंड करते थे, ट्री के नीचे थे जो कैनोपी बनाती थी, और सबसे प्राइम कॉर्नर में थे। प्राइम मतलब यहाँ पर बेस्ट, सबसे अच्छे कॉर्नर में, यानी पूरे कुर्ग में जो सबसे अच्छा कॉर्नर होता था वहाँ पर ये जो कॉलोनियल गवर्नमेंट के लोग हैं वो अपने रहने के लिए बंगलोज बनाते थे। और ये बंगलोज स्पेशली किसके नीचे स्टैंड करते थे, जो ट्रीज की कैनोपीज होती थी उनके अंदर अंडर में ये स्टैंड करते थे। मतलब अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए कि वो बहुत अच्छी जगह पर रह सकें, तो वो ऐसी जगह पर ही अपने बंगलोज को बनाते थे। द फाइसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डेसेंट। अगर हम बात करें यहाँ के लोगों की, कुर्ग के लोगों के बारे में, अब राइटर हमें बता रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो फाइसली इंडिपेंडेंट पीपल हैं, यानी बहुत ही कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर और स्वतंत्र लोग हैं कुर्ग के, और संभवतः उनकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से, ग्रीक या अरेबिक सऊदी अरब से हुई है, मतलब वो ग्रीक या फिर अरेबिक डिसेंट के हैं, उनके जो पूर्वज हैं या तो वो ग्रीक से थे, ग्रीक का मतलब यूनान से और अरेबिक का मतलब सऊदी अरब से। एज वन स्टोरी गोज अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। एक कहानी कही जाती है इनके बारे में, यहाँ के जो लोग रहते हैं उनके बारे में एक कहानी है कि क्या हुआ था। अगर हम किसकी बात करें कि ये यहाँ के लोग जो है ग्रीक डिसेंट के हैं, यानी ग्रीक से आए हुए लोग हैं, यूनान से आए हुए लोग हैं, तो उनके लिए एक कहानी कही जाती है कि क्यों लोग कहते हैं कि यहाँ के लोग यूनान से आए हुए हैं, कि जब अलेक्जेंडर ने हमारे देश पर आक्रमण किया था, सिकंदर का जो हमारे देश में एक राजा था पोरश, उनसे युद्ध हुआ था, तो उन्होंने हमारे देश में पोरश को हराया था और काफ़ी समय तक वो यहाँ पर उन्होंने टाइम बिताया, तो उनकी जो आर्मी थी, है ना, उनकी आर्मी का एक हिस्सा साउथ की तरफ मूव किया था, यानी साउथ में कर्नाटक या इस तरफ जो है मूव किया था, और अलोंग द कोस्ट यानी जो हमारा कोस्टल रीजन है उसकी तरफ। और यहाँ पर क्या हुआ, उनके लिए वापस लौटना इम्प्रैक्टिकल हो गया, यानी एक असंभव सा हो गया उनके लिए वहाँ से वापस लौट पाना, और या तो कहें कि वहाँ की जो सुंदर मनोरम जो ब्यूटी है उसको देख करके, या फिर कोई और रीजन्स रहे होंगे जिसकी वजह से वो वापस नहीं लौट पाए होंगे। उनकी आर्मी के कुछ लोग जो है वहीं पर रुक गए और हमेशा के लिए वहीं पर सेटल हो गए। दीज पीपल मैरिड अमंगस्ट द लोकल एंड देयर कल्चर इज अपेरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशंस मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। तो मेन स्ट्रीम क्या होती है, अ ट्रेडिशनल ट्रेडिशन विच मोस्ट पीपल फॉलो, यानी हमारी जो हिंदू मेन स्ट्रीम है वहाँ पर पहले हिंदू मेन स्ट्रीम थी, मतलब ज़्यादातर हिंदू ट्रेडिशंस जो थी उनको लोग जो है फॉलो करते थे। तो कोई भी ऐसी ट्रेडिशन, ऐसी परंपरा जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो करते हों तो उसको हम मेन स्ट्रीम कहते हैं। तो ये जो लोग थे
जो अलेक्जेंडर की आर्मी के जो लोग थे जो वहाँ पर रह गए थे, उन लोगों ने क्या किया, मैरिड अमंगस्ट द लोकल, वहाँ पर रहने वाले जो लोकल पीपल थे उन लोगों में शादी की, मतलब जो पुरुष थे तो उन्होंने महिलाओं से शादी की, या कहें कि जो लड़के थे उन्होंने लड़कियों से शादी की, और जो इनकी आर्मी में कुछ लड़कियां भी होंगी तो उन्होंने जो है लड़कों से शादी कर ली होगी, या फिर आर्मी में लड़कियां नहीं भी होंगी तो सिर्फ लड़के होंगे, उन्होंने वहाँ की रहने वाली लड़कियों से विवाह कर लिया क्योंकि वो वहीं सेटल हो गए थे, तो इसलिए वहीं पर उन्होंने शादी वगैरह कर ली। तो क्या हुआ, इसलिए उनकी जो कल्चर है वो क्या है, वहाँ पर पूरी तरह से अपेरेंट है, स्पष्ट तरीके से देखी जा सकती है, वहाँ की मार्शियल ट्रेडिशंस में, उनकी मैरिजेस में, उनके धार्मिक जो राइट्स होते हैं, जो कार्यक्रम जो कर्म होते हैं उनमें भी देखी जा सकती हैं, है ना, और विच आर, और ये जो उनकी जो ट्रेडिशन है वो एक डिस्टिंक्ट हैं हमारी जो हिंदू मेन स्ट्रीम है उनसे, यानी कि पूरी तरह से हमारी उस हिंदू मेन स्ट्रीम में वो वहाँ की एक बड़ी विशेषता बन चुकी हैं। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वर्न बाय द कोडावूज। तो कोडावूज यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं कोडागू के या कुर्ग के, उनको कोडावूज भी बोला जाता है। तो जो अरब ओरिजिन की इनकी ये जो थ्योरी है वो कैसे, हम ये मानते हैं कि इन लोगों की जो ओरिजिन है वो अरब कंट्री से है, सऊदी अरब से है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है कि यहाँ के जो लोग हैं वो एक लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं, यानी काला सा कोट पहनते हैं लंबा सा, और यहाँ पर और साथ ही साथ क्या होता है उसमें एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, साथ में वो एक बेल्ट सी भी बांधते हैं जो कि एम्ब्रॉयडर्ड होती है, उस पर कढ़ाई की गई होती है, है ना, और उसको पहनते हैं। तो इनका जो ये जो पहनावा है वो थोड़ा बहुत मिलता जुलता है जो सऊदी अरब के जो लोग हैं वहाँ से, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर एक पहली पिक्चर है, वहाँ पर एक कपल है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि एक लॉन्ग कोट है लंबा सा, ऊपर एक सिर पर टर्बन टाइप की भी लगाई हुई होती है, और ऐसे ही जो महिलाएं हैं देखो उनकी भी जो ड्रेसेस है, ये हमारी थर्ड पिक्चर में जो अरबी लोग हैं, अरब ओरिजिन के लोग हैं, अरब कंट्री के, उनकी पिक्चर दी हुई है। तो यहाँ पर लोगों मिलता जुलता सा इनके कपड़े हैं, हालांकि ये वाइट है और ये ब्लैक कलर के हैं, तो थोड़ा सा मिलते जुलते हैं, और इसी वजह से लोगों ने ये अनुमान लगाया कि शायद इनकी ओरिजिन अरब कंट्री से रही होगी। नोन एज कूफिया, इट रिजेंबल्स द कूफिया वर्न बाय द अरब्स एंड द कोट्स, और स्पेशली इनका जो पहनावा है, जो कुर्ग के लोगों का ये जो पहनावा है आप देख रहे हैं, इसको वहाँ पर किस नाम से जाना जाता है, कूफिया नाम से जाना जाता है, और ये जो कूफिया वर्ड है ये बिल्कुल रिजेंबल करता है, मैच करता है कूफिया वर्ड से, और ये जो कूफिया पहनावा है वो कौन सा है, ये जो अरब के जो लोग हैं जो कोट्स हैं, इनको कर्ट्स भी बोला जाता है अरब के लोगों को, तो ये अरब के लोग जिस तरह का पहनावा यहाँ पहने हुए हैं आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, थर्ड वाली में, तो इस इनके पहनावे को, इन ड्रेसेस को क्या कहा जाता है, कूफिया कहा जाता है। तो कूफिया और कूफिया दोनों बिल्कुल मिलते जुलते हैं, सेम लगते हैं, और देखने में भी ये कपड़े ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता, बस कलर का डिफरेंस है, तो इसलिए ऐसा समझा जाता था कि इनकी जो ओरिजिन है वो अरब से भी है। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलर, है ना, रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। तो टेल ऑफ वेलर्स क्या क्या होता है, वेलर का मतलब बहादुरी, स्टोरीज ऑफ करेज एंड ब्रेवली यूजली इन वॉर, है ना, विशेष रूप से जो वॉर होते हैं, युद्ध होते हैं, उसमें अगर किसी ने बड़े ही साहस से, बहादुरी से कोई काम किया हो तो उसकी स्टोरी को हम क्या कह सकते हैं, टेल्स ऑफ वेलर। तो ये जो कुर्गी होम्स हैं उनके अंदर हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, मतलब इनके यहाँ कोई भी अगर जैसे गेस्ट आते हैं, अतिथि आते हैं, तो वो उनका बहुत ही ज़्यादा आदर सत्कार करते हैं, इनके जो घर हैं उनमें ऐसी ही परंपरा है। एंड साथ ही साथ क्या होता है कि जब भी कोई उनके घर में आता है तो वो इस बात के बहुत इच्छुक होते हैं कि वो रिकाउंट करें, रिकाउंट का मतलब याद करें, और याद करके सुनाएं जो रिलेटिव या जो गेस्ट हैं उनके घर पे आया है उनको अपनी कहानियां बताएं, टेल्स ऑफ वेलर, यानी अपने
रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर, उनके जो सन्स और उनके जो फादर्स हैं, उनके जो पिता वगैरह रहे थे, और उनके मतलब कह सकते हैं कि जो उनके जो पूर्वज रहे थे, है ना, जो उनके दादा वगैरह और उनके जो पुत्र वगैरह जो रहे थे, उन लोगों की जो बहादुरी की बहादुरी से भरी हुई जो युद्ध से रिलेटेड जो स्टोरीज हैं वो उनको सुनाने के इच्छुक हमेशा रहते हैं, है ना। जो भी लोग उनके घर पे आते हैं, हालांकि वो उनको हॉस्पिटैलिटी या कहें कि उनका आदर सत्कार तो करते हैं, पर आदर सत्कार से भी ज़्यादा उनको वो कहानियाँ सुनाना उन लोगों को पसंद है। द कूर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड, डेकोरेटेड मीन्स हियर हैविंग रिसीव्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स फॉर ब्रेवरी इन वॉर इन द इंडियन आर्मी, एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज अ कूर्गी। तो यहाँ हमारी जो आर्मी है, तो हमारी आर्मी में हम जानते हैं कि अलग अलग एरियाज़ की अलग अलग रेजिमेंट होती हैं, जैसे गोरखा रेजिमेंट, सरदार की जो पंजाब रेजिमेंट है, तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग रेजिमेंट होती हैं, टुकड़ियाँ कह सकते हैं हमारे सेना में, तो ये अलग अलग होती हैं। तो यहाँ की जो रेजिमेंट है कूर्ग रेजिमेंट, वो भी हमारी आर्मी में शामिल है, और ये जो सबसे ज़्यादा जो डेकोरेटेड रेजिमेंट हैं उनमें से एक है। डेकोरेटेड का मतलब जिन्होंने युद्ध में ब्रेवरी के लिए बहुत ज़्यादा अवार्ड्स हासिल किए हों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुर्गी रेजिमेंट के लोग हैं, और इनके पास में बहुत सारे अवार्ड भी होंगे या हैं, जो इनके ड्रेसेस पर हम देखते हैं कि जो आर्मी के अफसर होते हैं, आर्मी के जो ऑफिसर्स होते हैं, उनकी जो ड्रेस होती है उसी पर बहुत सारे मेडल्स जो है लटके हुए होते हैं, तो उसी से पता चल जाता है कि उन्होंने अपने युद्ध में अपना कितना योगदान दिया होगा। तो इंडियन आर्मी में ये सबसे ज़्यादा जो डेकोरेटेड या जो अवार्ड से सुसज्जित जो टुकड़ियाँ हैं या रेजिमेंट हैं, कूर्ग रेजिमेंट उन्हीं में से एक है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, और हमारे देश की इंडियन आर्मी का जो पहले चीफ थे, जिनका नाम आपने सुना ही होगा, जनरल करियप्पा, है ना। ये अक्सर जीके के क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, तो उनका नाम क्या था, जनरल करियप्पा, तो वो भी एक कूर्गी थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहे हैं हमको, है ना, ये इंडियन आर्मी डे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जनरल करियप्पा हैं, फील्ड मार्शल के एम करियप्पा, तो ये एक कूर्गी थे, यानी कूर्ग से रिलेटेड थे। इवन नाउ कोडावूस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस, और आज भी, यानी ये लोग इतने बहादुर होते हैं, और ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे होते हैं, इनकी जो ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, उस पर किसी भी तरह से शायद हमारी इंडियन गवर्नमेंट को भी किसी भी तरह का डाउट नहीं है, इसलिए ये जो कोडावूस लोग हैं इनको इंडियन गवर्नमेंट ने परमिट किया हुआ है कि ये किसी भी जो फायर आर्म्स होते हैं, यानी जो हथियार होते हैं, वो बिना लाइसेंस के अपने पास रख सकते हैं, है ना। वैसे हमारे इंडिया में क्या रूल है कि अगर बिना लाइसेंस के अगर आप फायर आर्म्स रखते हैं तो आप पर तो ये इलीगल होगा और आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपको पुलिस भी अरेस्ट कर सकती है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए ऐसी बाउंडेशन नहीं है। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कूर्ग। यहाँ पर देखिए, एक जो रिवर कावेरी है, कावेरी जो नदी है वो यहाँ पर फ्लो करती है, तो ये जो रिवर कावेरी है वो अपना जो वाटर है वो कहाँ से ऑब्टेन करती है, जो फिल हिल्स एंड फॉरेस्ट हैं कूर्ग के, यानी यहाँ के जो हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं, और जो फॉरेस्ट हैं, वहाँ से जो वाटर है वो, जब बारिश होती है तो वहाँ से बहता हुआ जो पानी है वो रिवर कावेरी में आता है। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स, और ये जो आप देख सकते हैं ये नदी बह रही है, ये कावेरी रिवर है, और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी मछली पाई जाती है जिसको कहा जाता है महाशीर। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, तो इसमें आप ये जो मछली पकड़े हुए हैं लोग, ये कौन सी फिश है, ये महाशीर फिश है। तो यहाँ के इस वाटर में, यानी इस कावेरी रिवर के वाटर में ये जो फिश है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और ये काफ़ी लार्ज फ्रेश वाटर फिश है, ये फ्रेश वाटर में ही पाई जाती है। जैसे हमारे समुद्र में भी फिश होती हैं, लेकिन उसका पानी सॉल्टी होता है, वो फ्रेश वाटर नहीं होता है, तो ये इस फ्रेश वाटर में कावेरी रिवर के ये फिश पाई जाती है।
किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच व्हाइल स्क्वायरल एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्सली ईटन फ्रूट फॉर द मिसचीफ ऑफ एंजॉयिंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। मतलब अगर यहाँ पर हमें जो है जो हमारे राइटर हैं उन्होंने वहाँ यहाँ की हमें वाइल्ड लाइफ के बारे में भी बताया है, तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो हमको क्या दिखेगा, किंगफिशर्स दिखेंगे। वहाँ पर किंगफिशर हैं, वो डाइव फॉर देयर कैच, अपनी कैच के लिए, अपने शिकार के लिए वो डाइव लगाते हुए दिखेंगे। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, फर्स्ट पिक्चर में यहाँ पर ये किंगफिशर बर्ड है और ये अपने कैच के लिए मतलब मछली पकड़ने के लिए रिवर में डाइव करती है। वाइल स्क्वायरल एंड लंगूस ड्रॉप पार्सली ईटन फ्रूट, और जो स्क्वायरल्स हैं मतलब जो गिलहरियाँ हैं और लंगूस हैं वो क्या करते हैं, पार्सली ईटन फ्रूट यानी आधा खाए हुए फ्रूट जो होते हैं, फल होते हैं। जैसे मंकी ऊपर पेड़ों पे बैठ जाते हैं और जो फल तोड़ करके खाया, स्क्वायरल ने फल तोड़कर खाया और उनको थोड़ा बहुत खा लिया और फिर उसको नीचे गिरा दिया, किस लिए, मिसचीफ और इन्जॉइंग है ना, मिसचीफ करने के लिए, इन्जॉय करने के लिए है ना, उनको नीचे गिरा देते हैं। द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, और वो कहाँ पर गिरा देते हैं उनको, क्लियर वाटर में यानी जो नदी होती है, नदी के शांत पानी में, और किस लिए, स्पेशली रिपल इफेक्ट करने के लिए, यानी कि जैसे हम पानी में कोई शांत पानी है बिल्कुल, उसमें हम कोई किसी भी तरह का कंकड़ या कुछ डाल देते हैं तो वहाँ क्या होता है, रिपल इफेक्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, थर्ड वाली में, जिस तरह से गोल गोल सर्कल से बन जाते हैं पानी में है ना, तो वो रिपल इफेक्ट कहलाता है। तो उसका इंजॉय करने के लिए वो क्या करते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं आधे खाए हुए उनको पानी में गिरा देते हैं। एलिफेंट्स इंजॉय बीइंग बाथड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माउथ्स। माउथ्स कौन होते हैं, जिसको हम महावत कहते हैं, यानी जो हाथी का केयर टेकर होता है, उसकी जो देखभाल करता है उसको हम कहते हैं महावत। तो एलिफेंट्स क्या होते हैं, महावत जो होते हैं वो रिवर्स के पास एलिफेंट को ले जाते हैं और वहाँ पर उनको नहलाते हैं, स्क्रब करते हैं, यानी उनकी जो बॉडी होती है उसको स्क्रब करके, रगड़ के कह सकते हैं, उनको नहलाते हैं, उनको साफ करते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सबसे नॉट इन हरी, अगर यहाँ के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं काम करते, या कहें कि आप वहाँ पर जाएं और ज़्यादा जल्दबाजी में ना हो, तो जो इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर, यानी जो हाई एनर्जी एडवेंचर वाली जो लाइफ है उसमें वो कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी भले ही वो बिल्कुल शांत रहने वाले लोग हों, लेकिन क्या हो जाता है, वहाँ जा कर के उनके मन में एक बहुत ही एनर्जी या एडवेंचर वाली जो फीलिंग है वो आ जाती है। और किस वजह से, क्योंकि वहाँ पर अक्सर जो रिवर होती हैं उनमें क्या होती है, रिवर राफ्टिंग होती है। रिवर राफ्टिंग क्या होता है, ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ राफ्ट, एक राफ्ट में, राफ्ट क्या होता है, एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म मेड बाई टाइंग प्लैंक्स टुगेदर, जो प्लैंक्स होते हैं यानी लकड़ी के जो तख्ते होते हैं उनसे, उनको एक साथ जोड़ करके एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाता है और वो उस पर पानी पर, रिवर पर बहता है, तो उस पर, उसको हम कहते हैं राफ्टिंग कहते हैं। तो उस पर लोग क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, और बहुत ही वो एडवेंचरस वर्क है। तो रिवर राफ्टिंग करना आपके लिए या किसी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर फीलिंग वाला होगा। तो लोग वहाँ पर जाते हैं तो ये करते हैं। कैनोइंग, कैनोइंग क्या कहते हैं, मतलब होता है ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ कैनो, ए लार्ज नैरो बोट है ना। आप देख सकते हैं जैसे ये लोग जा रहे हैं फर्स्ट पिक्चर में, तो इसमें ये जो बोट है, एक बड़ी सी बोट होती है, इसमें बैठ जाते हैं लोग और ट्रैवल करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कैनोइंग कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं रैपलिंग करते हुए, रैपलिंग का मतलब होता है गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप, यानी एक रस्सी के सहारे से एक पहाड़ी से नीचे उतरना। जैसे आप देख सकते हैं इस मूवी में, सॉरी इस पिक्चर में, जैसे स्पेशली कहाँ पर, जहाँ पर झरना है ना, झरने जो होता है वहाँ पर लोग क्या करते हैं कि किसी माउंटेन से एक रस्सी की सहायता से वो क्या करते हैं, नीचे उतरते हैं।
रॉक क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग यहाँ पर देखा जा सकता है। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो दो लोग हैं देखो वो रॉक पर क्लाइंब कर रहे हैं, तो माउंटेन पर क्लाइंब करते हैं पर चट्टानों पर। और साथ ही साथ माउंटेन बाइकिंग, माउंटेन बाइकिंग का मतलब होता है जो माउंटेन पर बाइक चलाना या फिर स्पेशली साइकिल चलाने को हम कहते हैं माउंटेन बाइकिंग। तो जैसे आप देख सकते हैं पहाड़ों पर माउंटेन बाइकिंग भी होती है। ये लोगों के बहुत सारे एडवेंचरस हम कह सकते हैं कि काम होते हैं, लोग करते हैं बहुत सारे। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विथ ट्रैकर्स। यहाँ पर देखिए वॉकिंग ट्रेल्स क्या होता है, पाथ्स क्रिएटेड बाय वॉकिंग, यानी जैसे हम किसी एक प्लेस पर अक्सर लगातार लोग उसी रास्ते, जैसे मान लीजिए आपका फील्ड है, गांव में भी जैसे खेत होते हैं, फील्ड होते हैं, उसमें कहीं कहीं पर क्या होता है कि एक रास्ता लोग उसी से होकर के जाते हैं, वो जनरली एक रास्ता नहीं होता है पर अक्सर लोग वहीं होकर के गुजरते हैं, तो वहाँ पर एक ट्रेल्स बन जाता है, एक रास्ता सा बन जाता है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं लोग यहाँ से जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या बन गए, एक रास्ते बन गए। हालांकि ये रास्ते नहीं हैं, ये रोड नहीं है, सड़कें नहीं हैं, लेकिन फिर भी इस तरह के बन जाते हैं। तो जो बहुत सारे न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स, जो ट्रैकर्स होते हैं, जो वहाँ पर घूमने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होते हैं, है ना। बहुत सारे वॉकिंग ट्रेल्स इस एरिया में ऐसे बने हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे और भी ज़्यादा जो वाइल्ड लाइफ है उनके बारे में बताया जा रहा है। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। अगर आप वहाँ जाते हैं, जब भी आप कूक को विजिट करने जाते हैं, तो वहाँ आपको कंपनी देने के लिए बहुत सारी बर्ड्स होती हैं, बीज होती हैं, बटरफ्लाइज होती हैं, बहुत सारी आप वहाँ पर चिड़ियाँ, है ना, मधुमक्खियाँ और तितलियाँ देखने को मिल जाएंगी। मैकस, मैकस क्या होता है, एक प्रकार का ये मंकी होता है जो आप फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं, इसको हम मैकस कहते हैं। मालाबार स्क्वायरल, ये एक बहुत ही स्पेशल टाइप की स्क्वायरल होती है, ग्लैरी होती है, वो मालाबार उस रीजन को हम क्या कहते हैं, मालाबार रीजन बोलते हैं, मालाबार क्षेत्र बोलते हैं। तो वहाँ पर ये जो स्क्वायरल पाई जाती है, ये देखिए इसकी जो पूंछ है वो कितनी लंबी है, तो इस तरह की जो स्क्वायरल होती है उसको मालाबार स्क्वायरल कहती है। लंगूर्स पाए जाते हैं, लंगूर आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे, है ना, मंकी जैसे ही होता है पर मंकी से साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है, साथ ही उसकी जो टेल होती है वो काफ़ी लॉन्ग होती है और टेल का यूज़ वो काफ़ी अपने कामों को करने में करता है। और साथ ही साथ यहाँ पर स्लेंडर लोरिस भी पाए जाते हैं, ये देखिए जो लास्ट पिक्चर है आपकी, इसमें ये कौन है, स्लेंडर लोरिस है, तो ये यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, जब भी आप वहाँ पर जाएंगे तो ये सारे जो एनिमल हैं कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी, ये ट्री की कैनोपीज पर बैठे रहते हैं और जब आप वहाँ पर जाते हैं तो वो आपके ऊपर एक वॉचफुल आई यानी नज़र रखते हैं, यानी आप अकेले नहीं होंगे वहाँ पर। जब वहाँ जाएंगे तो बहुत सारी चिड़ियाँ, मधुमक्खियाँ, बटरफ्लाइज या बहुत सारे इस तरह के ये जो जानवर हैं वो आपके साथ में होंगे और आप पर नज़र रखे होंगे। आई डू हाउ एवर प्रीफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स, और लेखक कहते हैं यहाँ पर कि हालांकि मैं जब भी अगर वहाँ जाता हूँ या मैं जब भी अगर जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा, जो वहाँ के जो वाइल्ड एलिफेंट्स हैं, है ना, जो वहाँ के जंगली हाथी हैं, मैं उनसे तो एक कदम दूर ही रहूँगा, तो वो शायद वो थोड़े से ख़तरनाक होंगे, तो इसलिए वो उनसे अलग रहने के बारे में कहते हैं। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इन टू अ पैनोरामिक व्यू। पैनोरामिक व्यू क्या होता है, अ व्यू ऑफ वाइड एरिया ऑफ लैंड। जब हम एक बड़े एरिया के, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, है ना, यहाँ पर ये ब्रह्मगिरी हिल्स हैं, तो ये एक बड़े एरिया का व्यू है, है ना, बहुत सारे एरिया का यहाँ पर व्यू है। अगर हम यहाँ से लेकर एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जाएंगे तो ये बहुत लंबा हमको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो क्या है यहाँ पर, क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स, अगर आप ब्रह्मगिरी हिल्स पर क्लाइम करना चाहते हैं तो ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू, तो ये जो आपकी इच्छा होगी वो आपको एक ऐसे पैनोरामिक व्यू की तरफ ले जाएगी ऑफ द एंटायर मिस्ट्री लैंडस्केप ऑफ द ऑफ कूर्ग, जो कि कूर्ग का एक एंटायर मिस्टी लैंडस्केप है। मिस्टी का मतलब मिस्ट से भरा हुआ, यानी कि जो फॉग है उससे भरा हुआ जो लैंडस्केप है वहाँ पर आपको ले जाएगा, यानी वहाँ पर एक पैनोरामिक व्यू आपको देखने को मिलेगा ब्रह्मगिरी हिल्स का। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64-acre आइलैंड ऑफ निसर्ग धाम। जब आप लगभग 64, जब आप एक रोप ब्रिज है कूर्ग में, उस रोप ब्रिज को क्रॉस करते हुए, उस रोप ब्रिज से जाते हुए
आप कहाँ पहुँच जाएंगे, एक आइलैंड पे पहुँच जाएंगे जिसको निसर्ग धाम बोला जाता है, और ये लगभग 64 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है और काफ़ी अच्छा सुंदर स्थान है ये। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट, और साथ ही साथ यहाँ पर जो लोग हैं वो किस तरह के यहाँ पर सेटलमेंट रन करता है, वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स का, यहाँ पर जो बौद्ध धर्म के जो भिक्षु लोग होते हैं, है ना। और यहाँ पर इंडिया का सबसे बड़ा जो तिब्बतन सेटलमेंट है, तो तिब्बत स्टाइल का, वो यहाँ पर हमें मिलेगा। कहाँ पर, वो एट नियर बाई बाइलेकुपे, है ना, इजिप्ट बोनस। और अगर आप जब वहाँ जाते हैं तो ये बाइलेकुपे अगर आप देखते हैं तो ये आपके लिए एक बोनस होता है, कहने का मतलब है इतनी सुंदर ब्यूटी आप देखते हैं और साथ ही साथ ये इसकी तरफ देख लेना या वहाँ पर पहुँच जाना, ये आपके लिए एक बोनस होगा, एक्स्ट्रा इन्जॉयमेंट का एक जरिया होगा। द मॉन्क्स इन रेड ऑकर एंड येलो रॉब्स आर अमोंगस्ट द मैनी सरप्राइजेज दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाई विजिटर सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन को। और ऐसे विजिटर्स जो कि मानो इंडिया के किसी हार्ट और सोल को देखना चाहते हैं, मतलब हार्ट एंड सोल का मतलब इंडिया की जो मतलब बहुत ही गहराई से जो आत्मा है, रियल इंडिया है, उसको देखना चाह रहे हैं, उसकी सर्च में निकले हुए हों, तो उनको कहाँ पर आना चाहिए, यहाँ कूर्ग में, ठीक कूर्ग में आना चाहिए। आपको यहाँ पर हर तरह की चीज़ मिल जाएगी, बहुत ही अच्छी नेचुरल ब्यूटी मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो है मॉन्क्स होते हैं, जो कह सकते हैं जो साधु संत या बौद्ध भिक्षु होते हैं, वो आपको रेड ऑकर एंड येलो रॉब्स में देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे आप देख सकते हैं इनका जो रेड है, ऑकर का मतलब यहाँ पे ऑरेंज कलर भी कह सकते हैं, या फिर ये जो सेफ्रॉन कलर जैसा है वो भी कह सकते हैं, है ना। और येलो रॉब्स पीले जो वस्त्र होते हैं, आर अमंगस्ट द मैनी सरप्राइजेज, ये बाकी के जो सरप्राइज हैं उन सभी में यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जैसे हमारे साउथ का एरिया है, वहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग, हम सोचेंगे कि वहाँ पर होना बड़ा ही आश्चर्य वाली बात है, है ना। ये यहाँ पर वेट कर रहे होते हैं अपने विजिटर्स का, जब विजिटर यहाँ पर आकर के इन लोगों को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि ये तो और भी अच्छा हो गया, हमें एकदम जो तिब्बत वाली जो एक तरह की जो कल्चर है, वहाँ की जो रहन सहन है, वो एक तरह से हमें वहाँ पर देखने को मिल गया। तो ये सारी चीज़ें उनको देखने को मिल जाती हैं तो वो बड़े ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक फैक्ट पाइल है कि हाउ टू रीच, अगर आपको यहाँ पर पहुँचना है कूर्ग में तो वो हम कैसे पहुँचते हैं। जैसे यहाँ मोदीकेरी द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इज़ द ओनली गेटवे टू कूर्ग, है ना। मोदीकेरी ये एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, ये एकमात्र गेटवे है कूर्ग पहुँचने का। द मिस्ट्री हिल्स और लस्ट फॉरेस्ट एंड कॉफ़ी प्लांटेशन विल कास्ट अ स्पेल ऑन यू, और जब आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ की जो मिस्ट्री हिल्स हैं, यानी फॉक्स से भरी हुई जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ के सुंदर सुंदर और घने जो फॉरेस्ट हैं, कॉफ़ी के प्लांटेशन हैं, वो आप पर एक स्पेल करेंगे, एक जादू कर देंगे। तो यहाँ पर फाइंड अ रिसोर्ट अगर कॉफ़ी स्टेट और स्टे इन होम फॉर अ ट्रूली कूर्गी एक्सपीरियंस, और अगर आप वहाँ पर जाना चाहते हैं, एक ट्रूली एक कूर्गी एक्सपीरियंस को महसूस करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको एक रिसोर्ट फाइंड करना है, वहाँ के जो कॉफ़ी स्टेट हैं वहाँ पर, या कहीं भी किसी घर में। तो वहाँ पर देखिए कैसे पहुँचा जा सकता है, बाई एयर हम जा सकते हैं, यानी एरोप्लेन से। तो वहाँ पर नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो मैंगलोर है, है ना, 135 किलोमीटर, एंड बंगलोर 260 किलोमीटर। देयर आर फ्लाइट्स टू मैंगलोर फ्रॉम मुंबई एंड टू बेंगलोर फ्रॉम अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, मुंबई एंड पुणे। तो यहाँ के लिए मैंगलोर के लिए मुंबई से, और बेंगलोर से जो है बेंगलोर के लिए अहमदाबाद से, चेन्नई से, दिल्ली से, इन सारे जगहों से वहाँ पर जाने के लिए फ़्लाइट्स हमको मिल जाती हैं। अगर हम रेल से जाना चाहें तो नियरेस्ट रेल हेड्स आर एट मैसूर, मैंगलोर एंड हसन, वहाँ पर मैसूर, मैंगलोर और हसन है, तो वहाँ से बड़ी आसानी से रेल से पहुँचा जा सकता है। अगर रोड की बात करें तो देयर आर टू रोड्स टू कूर्ग फ्रॉम बेंगलोर, बेंगलोर से जाने के लिए, बेंगलोर से कूर्ग तक जाने के लिए वहाँ पर दो रूट हैं, बोथ आर ऑलमोस्ट द सेम डिस्टेंस, और दोनों की ही लगभग सेम डिस्टेंस है, एक की 250 और दूसरे की 260 किलोमीटर है। द रूट वाया मैसूर इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटेड वन, और जो मैसूर वाला जो रास्ता है, मैसूर के होते हुए जाना, वो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटेड वन है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला है। द अदर रूट इज़ वाया नीलमंगल, कुनिंगल एंड
चंद्रायना पटना, तो यहाँ से और दूसरा रास्ता बना हुआ है, तो यहाँ से भी हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, किसी भी तरह का कोई डाउट है, तो वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।